आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कुछ एडवांस फार्मूले से बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंटीजर जैसे फार्मूले, इंटीजर, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, सेलिंग फ्लोर, एम राउंड। ये फार्मूले काफी ज्यादा ट्रिपल सी ओ लेवल के बच्चों के लिए स्पेशल है जी, क्योंकि उन्हीं के पेपरों में ज्यादातर आ रहे हैं। तो चलिए ये बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ये कैसे काम करता है और ये किस लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग एक डेसिमल वैल्यू लेकर चलते हैं बच्चों। देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने कुछ डेसिमल वैल्यू दी गई है। ये आपके सामने डेसिमल वैल्यू है, ये भी एक डेसिमल वैल्यू है जिसके सामने पॉइंट के बाद 49 है, पॉइंट के बाद 59 है। तो पहले मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है विदाउट डेसिमल वैल्यू, उसके पॉइंट्स के बाद कोई ना जीरो होगा और ना ही कोई वैल्यू दिखेगी। इंटीजर में एक इंटीजर एक वैल्यू होती है जिसको माना जाता है, माना की, ठीक है। और राउंड ऑफ वैल्यू उसे बोलते हैं, जैसे आपने अगर 1451 रुपया 50 पैसे 51 पैसा का कोई सामान खरीदा या बेचा, तो ये क्या करता है, राउंड फार्मूला, राउंड फिगर बनाता है। राउंड फिगर का मतलब होता है कि जैसे आपका 1451 रुपये 51 पैसे का होता है, तो 51 पैसे का कोई लेन देन दुकानदार नहीं करता है, जे आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर राउंड ऑफ कर देता तो उसे या तो सीधा सीधा 51 दिखा देगा, या तो उसको सीधा सीधा उसमें कुछ रुपए जोड़ के उसे उसको 52 रुपए में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसमें कुछ वैल्यू जोड़ के उसको सीधा 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 वैल्यू मिला के खड़ा कर देगा, ठीक है। और राउंड अप भी इसी तरीके काम करता है। या राउंड अप क्या करता है, राउंड अप करता है उसकी वैल्यू बढ़ाता है। जैसे उसमें 51 पैसे है तो उसमें कुछ पैसे जोड़ के उसे 52 कर देगा, 53 कर देगा, जिस हिसाब से वैल्यू होगी वैल्यू के हिसाब से ये ऐड कर देता है, हाँ। और उसके बाद राउंड डाउन क्या करता है, जैसे ये 51 है बच्चों, 51 पैसा है तो 51 पैसा को काट देगा और सीधा सीधा यहाँ पे 1451 लिख देगा। और जबकि राउंड अप क्या करता है, वो वैल्यू को बढ़ा देता है, अगर 51 होगा तो 52 कर देगा। इसी तरीके सेलिंग्स फार्मूला काम करता है। सेलिंग्स मीन्स क्या होता है बच्चों, पता है आपको, सेलिंग 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 सेल नहीं, सेलिंग सेलिंग। जितना बिका हुआ माल पैसा। यहां देखिए मीनिंग्स देखिए, सेलिंग 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 फैन नहीं होता है, सेलिंग फैन होता है। तो होता सेलिंग का मतलब क्या हुआ, छत होती है। फ्लोर मींस क्या होता है, ये भी सर फर्श होती है। फर्श होती है, फर्श मतलब नीचे और सेलिंग मतलब ऊपर, जो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा ये घटते हुए क्रम में रहेगा। इस पर क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, जैसे 1452 है, ये ऐसी वैल्यू से आप चाहे किसी भी वैल्यू से, 0 से लेकर 100 तक किसी वैल्यू से भाग दे दीजिए, अगर 1452 अगर आप जिस वैल्यू से भाग दे रहे होंगे अगर नहीं कटती होगी तो क्या करेगी, उसमें कोई वैल्यू जोड़कर उसे काट देगा, ऊपर की तरफ जो बढ़ाएगा। यानी अगर 1452 है, अगर 1452 किसी वैल्यू से नहीं कट, जो वैल्यू से आप काट रहे होंगे, चाहे आप 15 से काटिए, चाहे 10 से काटिए, चाहे 20 से काटिए, वो अपने आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ के उसको काट देगा। और फ्लोर फार्मूला क्या करता है, उस वैल्यू में घटते हुए क्रम में अगर बड़ी वैल्यू है और कोई वैल्यू से आप काट रहे हैं तो घटा के तुरंत काट देगा। एम राउंड फार्मूला इसी तरीके काम करता है जैसे राउंड ऑफ फार्मूला काम करता है। तो धीरे धीरे बच्चों एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं जी। आप देख रहे होंगे कि जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो सीधा सीधा माइनस की तरफ बढ़ते हुए क्रम में चलती हैं। जी आपने चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर 0 लगाते तो इकाई वैल्यू बढ़ती है, अगर आप यहाँ पे -0 का यूज करते हैं तो फिलहाल दहाई मतलब दो संख्या को जो घटा देता है, अगर आप -2 यूज करते तो 3 संख्याओं को लेकर चलता है, अगर यहाँ पे आप -3 यूज करते तो 4 संख्याओं को यूज करता है। तो देखिए ये कैसे बच्चों यूज करता है, मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड फार्मूला है, काफी यूजफुल भी है, आप जरूरत पड़ने पर इसे यूज कर सकते हैं। वो कैसे, पहले आपको इंटीजर वाला ही बता देता हूं ये कैसे काम करेगा। आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए और बच्चों यहाँ इंटीजर का एक फार्मूला ऐड करिए। इंटीजर का फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर, आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो इंटीजर जरूर होगा बच्चों,
बस आप टैब दबाइएगा, आपसे बच्चों जो पूछेगा नंबर, नंबर पे आप क्लिक करिएगा और आप जैसे ही ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपके पास देखिए जो डेसिमल वैल्यू है ऑटोमेटिक कट गई। देखिए 1451 पॉइंट्स कुछ दे रखा है और आपका देखिए सीधा सीधा दो वैल्यू आपको पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को हटा दिया, आप ड्रैग कर लीजिए, देख लीजिए, देखिए 48 है ये भी काट दिया, 48 पैसा 51 पैसा 49 पैसा सबको हटा दिया, क्लियर हो गया। अब राउंड अप फार्मूला क्या करता है, अब सिस्टमेटिक तरीके से राउंड करिए, टैब दबाइए, आपसे ये पूछेगा नंबर, नंबर आपको लेना है, नंबर ऑफ डिजिट आपको जीरो यूज करना है कि आपको माइनस वन यूज करना है, फिलहाल मुझे बच्चों जीरो यूज करना है, ब्रैकेट्स बंद, जो वही डिजिट है जो कि हमको यहाँ लिखना है, इसलिए मैंने चार्ट फिगर में दर्शा दिया, बस ब्रैकेट को करना है एंटर। देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए जो जीरो पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू नहीं दे रहा, राउंड फिगर कर दिया इसने, 51 को 52 कर दिया, नहीं इसमें कुछ पैसे जोड़ दिए, कितने बैलेंस जोड़े 51 पैसे में कोई बता सके, 49 पैसे यहाँ पे ऐड करके इसने इसको 52 रुपए कर दिया, क्लियर हुआ आपको। बस आप ड्रैग करके चेक कर लीजिए इसको भी, ये देखिए जो आपका इसे घटा दिया, इसको नहीं लेना था इसने घटा दिया इस वाली वैल्यू में, इसमें देखिए इसको 25 को 26 कर दिया क्योंकि ये कम थी इसलिए इसको घटा दिया, और जो ज्यादा वैल्यू थी इसलिए इसको बढ़ा दिया, समझ में, इसे कहते हैं राउंड अप राउंड फिगर। चलिए समझ में आ रहा, अच्छी बात है। इसी तरीके ये भी बच्चों काम करता है, राउंड अप दबाएंगे, ये भी नंबर आप ले लीजिए यहाँ पे ऐसे कॉमा, आप जीरो यूज करना चाहते हैं जीरो यूज कर लीजिए, ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर मार दीजिए, ये भी राउंड फिगर उसी तरीके दिखा रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें तीन जीरो आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यूज करके, अगर मैं यहाँ माइनस यूज करता हूँ या देखिए माइनस वन और मैंने एंटर कर दिया तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे 1460 कर दिया क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक वैल्यू और आ रही थी तो एक वैल्यू इसने हटा दिया और आपके पास तीन वैल्यू बच रही है, और यहाँ पे एक 160 कर दिया, इसमें यदि और राउंड फिगर कर दिया और जोड़ दिया यानी और अप कर दिया, मतलब ये 1450 था इसको 60 कर दिया, 10 इसमें और जोड़ दिया, समझ में आया। तो अगर आप इसमें माइनस टू का यूज करते हैं तो कितनी वैल्यू घटती बढ़ती है, बढ़ती है देखिएगा 1500 सीधा देखो बदल दिया, समझ में आ गया। तो इसे आप ड्रैग कर लीजिएगा, तो सब में ऐसे कर दिया इसने। अब डाउन की तरफ देखिए, डाउन घटते हुए क्रम में देखिएगा, रेंट राउंड अप राउंड डाउन, बस टैब दबाइएगा बच्चों और यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने आपको, नंबर ऑफ डिजिट कितने में आपको माइनस कितना करना है वो आपको देखना है। तो हमने क्या किया था उसमें माइनस टू यूज किया था, तो इसमें माइनस टू इसमें भी यूज करके देख लीजिए इसमें कितना घटता है, देखिए घट गया ना 100, बस डाउन सब में देख लीजिए 26 होगा तो 25 होगा, 17 होगा तो 16 हो गया होगा, इसमें देखिए 100 घटा बढ़ा है और इसमें 100 घट गया है, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सेलिंग फार्मूला, सेलिंग होती है छत होती है, ये भी एक बढ़ते विक्रम को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो जी वैल्यू ऐड होती घटती है लेकिन इसमें डिवाइडेशन होता है, जीरो से लेकर 100 तक की कोई भी वैल्यू तो आप भाग दे सकते हैं, वो कैसे संभव है, अगर मैं ऐसे किसी वैल्यू को अगर भाग देता हूं, मैं आपको एग्जांपल बाहर दिखाता हूं, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है जैसे ये वैल्यू आपके सामने दिख रही 1451 रुपए 51 पैसे, अगर मैं इसको किसी भी वैल्यू से भाग दूं जैसे 3 से भाग देता हूं, ध्यान दीजिएगा तुझे ऑटोमेटिक डेसिमल पॉइंट्स में ही आएगी, जबकि सेलिंग फार्मूला बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा फार्मूला, ये डेसिमल वैल्यू को काट देता है और अपने आप राउंड फिगर करके दिखा देता है, देखिए कैसे संभव है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग्स फार्मूला यूज करेंगे, सेलिंग्स फार्मूला में आपसे नंबर पूछेगा बच्चों, नंबर दे दीजिएगा और आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंस पूछेगा आपसे, और यहाँ पे आप वो वैल्यू भाग देना होगा जिस वैल्यू को यहाँ पे आपको टाइप करना है, मैं कहता हूँ ऐसी वैल्यू से भाग दीजिए कि इसमें ये कट जाए, तो मैं 3 से भाग देता हूँ
और नहीं कटेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेलिंग यानी सेलिंग जो होता बढ़ते हुए क्रम को दिखा, उसमें कुछ वैल्यू जोड़ के उससे भाग दे देगा। बस ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर मार दीजिए बच्चों। देखिए अभी मैंने तीन से भाग दिया था, यहाँ पे देखिए मैंने तीन से भाग दिया था तो कितने पॉइंट्स में आया था। तो आपको पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, इतनी ही वैल्यू थी। इसने क्या किया, कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं दिया, तीन से ही तो वो कर रहा हूँ। देखिए जब इसको 1452 ही दे रहा है, यानी इसमें कुछ वैल्यू जोड़ दिया और जोड़ के उसको भाग दे दिया। अब देखिए चार से देख लीजिए, पांच से देख लीजिए, पंद्रह से देख लीजिए, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए इसमें कुछ वैल्यू जोड़ के उसको भाग दे दिया है, और इसमें भी पंद्रह से देख लीजिए इतना जा रहा है, तो डिफरेंट है थोड़ा सा बच्चों। फ्लोर देखिए नीचे की तरफ होता है, फ्लोर फार्मूला यूज करिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है। यहां आइएगा फ्लोर के पास, इस पे क्लिक करिएगा, कॉमा लगाइएगा, ये वही ऑप्शन फिर पूछ रहा है साइन फिगेंस, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, जितने से मर्जी उतने से भाग दे दीजिए, उसमें अपने आप वो काटेगा, उसके बाद जो उसमें छोटी वैल्यू को घटा देगा। ये देखिए घटा दिया, 1450 है वो आपका, इसमें ऐड हो गया कुछ वैल्यू, घट गई कुछ वैल्यू, बस ड्रैग कर लीजिए ऐसे। यम राउंड भी इसी तरीके काम करेगा, आप यम राउंड यूज कर लीजिए, यम राउंड टैब दबाइए, ये भी भाग देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीपल कर देता है उसका दुगना। इस पे क्लिक करिए, कॉमा लगाइए, और आप जिससे मल्टीपल करना चाहते हैं वो वैल्यू यहां से टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दीजिएगा। देख लीजिए सेम उसी तरीके काम कर रहा है, आप राउंड ऑफ कर रहा था, ये देखिए राउंड जैसे कर रहा था उसी तरीके काम कर रहा, लेकिन इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, इसमें डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, बजट डिफरेंट है। ओके तो ये चार्ट को आप रट लीजिएगा, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है सर। एम राउंड में सर फिर से एक बार जरा उसको नंबर दे दीजिए, 12 की जगह से 3 करें। चलिए 3 करके देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में नहीं आएगा, बस और सब कुछ दे देगा। क्लियर हो जाएगा सबको? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।